मैं हूं गोलू सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट YouTube चैनल आओ चले विज्ञान की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ CSF के बारे में। दोस्तों से पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था CSF के बारे में, तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ CSF के बारे में। तो फिर दोस्तों बिना किसी देरी किए हम लोग अपना आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फंक्शंस ऑफ CSF। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। CSF protects the delicate brain and spinal cord by providing shock absorbing medium. It acts as cushion jolts to the central nervous system. Number 2, buoyancy to the brain. Since the brain is immersed in the CSF, the net weight of the brain is reduced from about 1.4 kg to about 0.18 kg. Thus the pressure at the base is reduced. Number 3, excretion. CSF carries harmful metabolic wastes, drugs and other substances from the brain to the blood. Number 4, detection of infections. As CSF bugs the CNS, examining small amounts of CSF can provide physicians a means of detecting infections in the brain, spinal cord and meninges. Samples of CSF are obtained by inserting a needle between third and fourth lumbar vertebrae, lumbar puncture. फ्रेंड्स नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। अब दोस्तों मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों फंक्शंस ऑफ CSF, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी करने वाले हैं कि अगर है ना CSF के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर है ना CSF का क्या फुल फॉर्म होता है। तो CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CSF। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो नंबर 1 इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो CSF है वह प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट ब्रेन और स्पाइनल कोड को शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम द्वारा प्रोवाइडिंग करके। यह एक्ट करता है वुडन जॉल्ट्स की तरह टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दोस्तों मैं इसका फंक्शन नंबर 2 बता देता हूँ, buoyancy to the brain. Since the brain is immersed in the CSF, the net weight of the brain is reduced from about 1.4 kg to about 0.18 kg. Thus the pressure at the base is reduced. अब दोस्तों मैं इसका फंक्शन नंबर 3 बता देता हूँ क्या करना CSF का फंक्शन नंबर 3 क्या है। तो फंक्शन नंबर इसका 3 है एक्सक्रीशन। अब इसमें क्या है तो उसके बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों। तो जो CSF होता है मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, कैरीज करता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को, ड्रग्स को और अदर सब्सटेंसेस को ब्रेन से ब्लड तक। अब इसमें है ना मैं इसके आगे बता देता हूँ दोस्तों। तो इसमें है ना फंक्शन नंबर 4। अब इसमें क्या है दोस्तों मैं भी बता देता हूँ, डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शंस। As CSF bugs the CNS, examining small amounts of CSF can provide physicians a means of detecting infections in the brain, spinal cord and meninges. Samples of CSF are obtained by inserting a needle between third and fourth lumbar vertebrae, lumbar puncture. अब दोस्तों मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों से पहले मैं आखिर बता देता हूँ आखिर है ना CNS का क्या फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों आप है ना CSF का तो फुल फॉर्म जान चुके होंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब है ना CNS का क्या फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CNS। वेंट्रिकल्स को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं निलय। अब दोस्तों मैं कोई इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। जो है ना एराकनोइड और पियामेटर के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वह है ना CSF मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई होती है। तो फिर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे, जैसे कि CSF क्या है, इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वह किसकी चीज को प्रोटेक्ट करता है, और जो है ना हम लोग वेंट्रिकल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, CNS का क्या फुल फॉर्म होता है, और जो है ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है मैंने किस किस चीज को कैरीज करता है, इन सभी चीजों के बारे में समझ सके होंगे। और जो स्पेस होती है एराकनॉइड और पीयर मेटर के बीच में वो किस चीज किस फ्लूइड से भरी हुई होती है, किस चीज से भरी हुई होती है, अब इन सभी चीजों के बारे में समझ सके होंगे। तो मेरे दोस्त अगर आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके हैं तो मेरे दोस्त हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों अगर आपको ना ब्रेन के बारे में इसके आगे भी जानना है तो फिर दोस्तों हमारे अगले वीडियो को भी जरूर देखिए। दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा लूप्स ऑफ सेरिब्रम के बारे में। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।